हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, ये मेरा यूपी टीजीटी पीजीटी का स्पेशल मॉक टेस्ट है जो कि 6 नंबर का है। आज मैं ये कलाकार के बारे में, सोमनाथ होर के बारे में कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि लगभग 15 क्वेश्चन हैं इसमें। अभी मैंने अपना सोमनाथ होर कलाकार के बारे में एक वीडियो अपलोड किया है जिसका मैं क्वेश्चन अलग से लेके आई हूँ। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हों, अगर डिटेल में सोमनाथ होर के बारे में जानना चाहते हों तो उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें, जिसमें मैंने कलाकार की पेंटिंग्स और उनके बारे में पूरा डिटेल में बताया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं, सोमनाथ होर कहाँ के कलाकार थे? तो राइट आंसर इज़ सोमनाथ होर एक बंगाल के कलाकार थे। सोमनाथ होर एक बंगाली मूर्तिकार और प्रिंट मेकर थे। उनके रेखाचित्र, मूर्तियाँ और प्रिंट 20वीं शताब्दी के बंगाल के प्रमुख ऐतिहासिक संकटों और घटनाओं की प्रतिक्रिया थे, जैसे कि 1943 का बंगाल अकाल तेभंगा आंदोलन हुआ था। सोमनाथ होर एक पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था सोमनाथ होर को। सोमनाथ होर का जन्म कब हुआ था? सोमनाथ होर का जन्म सन 1921 में चटगांव में हुआ था, जो कि अब बांग्लादेश में है। क्वेश्चन नंबर 3, सोमनाथ होर की मृत्यु कब हुई थी? सोमनाथ होर की मृत्यु 2006 में हुई थी। ये क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में, सोमनाथ होर की मृत्यु कब हुई थी। सोमनाथ की प्रथम कलाकृति फुटपाथ पर सो रहा बच्चा किस माध्यम में निर्मित हुई है? तो ये जो है वो लीनो कट है 1956 में। ग्रुप मीटिंग सोमनाथ होर में ने कब निर्मित किया था? 1953 में ग्रुप मीटिंग सोमनाथ होर ने निर्मित किया था। मदर एंड चाइल्ड वुड एनग्रेविंग 1956 किसने चित्रित किया था? सॉरी, यहाँ पे सोमनाथ होर पे टिक होना चाहिए था, सोमनाथ होर ने किया था। पीठ सोमनाथ होर के द्वारा निर्मित किस माध्यम का कलाकृति है, जो कि कास्ट उत्कीर्णन है, 1973 में बनाया था इन्होंने। भूख हंगर नामक कृति सोमनाथ होर ने किस माध्यम में चित्रित किया था, जो कि लीनो कट 1977 में किया था। चीख द क्राई कास्य मूर्तिशिल्प सोमनाथ होर ने कब निर्मित किया था? 1985 में। सफ़ेद पर सफ़ेद श्रृंखला किसने चित्रित की थी, जो कि सोमनाथ होर ने की थी। क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि सफ़ेद पर सफ़ेद चित्र श्रृंखला किसने चित्रित किया था, तो सोमनाथ होर ने किया था। ये क्वेश्चन कई बार आया है। मिथुन नामक चित्र किसके द्वारा निर्मित हुआ था? क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि मिथुन नामक चित्र किसके द्वारा निर्मित हुआ था और किस कब हुआ था, तो सोमनाथ होर ने 1976 में मिथुन नामक चित्र चित्रित किया था। क्वेश्चन नंबर 8, कुत्ता मूर्ति शिल्प किसने बनाया था? सोमनाथ होर ने 1985 में बनाया था कुत्ता नामक मूर्ति शिल्प। सोमनाथ होर को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सन 2007 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण उनके कलाकृतियों को, उनके जो उनके योगदान थे भारतीय समकालीन कला के लिए, उसके लिए उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये रहा सोमनाथ होर के बारे में कुछ क्वेश्चंस, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।